और हम लोग हजार साल तक लूटे गए, और उस हजार साल में जितना नहीं लुटाए उतना आजादी के बाद नेटवा लूट दिया सब। उनका पुलिस वाला सिक्योरिटी वाला था बंदूक चला लियो बाबरची उनको कुकर दे दिया ले बना लो खाना। भारत के IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, इसके आदमी को विदेश भेजना होता है। कहाँ भेजना होता है? विदेश। कौन साइन करके भेजता है? हमारा आदमी है विदेश जा रहा है, समझा गया कि नहीं? अगर इसका ख्याल रखिएगा, और इसको अगर एगो खरोच आ गया ना तो व्यवस्था कर देंगे आपका, समझा गया? भारत का राजदूत इस्लामाबाद में बैठा है पाकिस्तान, और जिस बिल्डिंग में बैठा है ना उस बिल्डिंग में पाकिस्तान के राष्ट्रपति को आना पड़ता है, तो दो दिन पहले लिखित अर्जी देते हैं कि हम आपके बिल्डिंग के अंदर आना चाहते हैं, और वो लिख देगा कि नॉट कमिंग, नहीं आ सकते। इतना पावर होता है, क्योंकि अगर घुस गए जबरदस्ती ना तो ओकरा ही पता है कि हम तो किसके यहाँ घुसे हैं, राजदूत के यहाँ, IFS के यहाँ, लेकिन उनको भेजा कौन था? राष्ट्रपति। ओकरे बाद उठेगा रायसीना की पहाड़ी से ना, तीनों सेना है उसके पास, और ये केवल हम लोग के पास नहीं सारे देशों के पास होता है। पाकिस्तान के भी राजदूत भारत में है, हम भी उनके यहाँ नहीं घुस सकते, हम नहीं जा सकते उनके, वो उनकी टेरिटरी हो जाती है एक तरह से समझिए तो, जब तक वो है वहां पर उसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हो जाती है। सब जगह होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह। हमारा राजदूत अमेरिका में बैठा है, कुछ नहीं कर सकते हैं भारत के राजदूत को अमेरिका में, अमेरिका का राजदूत भारत में बैठा है यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते। 2012 का मामला है, राष्ट्रपति जी तो उस समय कौन होगा राष्ट्रपति 12 में? प्रतिभा पाटिल होगी, हाँ प्रतिभा पाटिल वहीं पर। तो हमारी एक राजदूत थी इंडियन फॉरेन सर्विस की, देवयानी खोबरागड़े। तो देवयानी खोबरागड़े अमेरिका में राजदूत थी, और उसकी नौकरानी जो थी, देवरानी खोबरागड़े की जो नौकरानी थी वो अमेरिकन थी, मतलब वहाँ पे तो स्टाफ लोग वहीं के ना रखेंगे। तो उन्होंने क्या, उसने आरोप लगा दिया कि हमसे डांट के बात करती है, टाइम से सैलरी नहीं देती है। अब हो भी सकता है, महिला से भी सब मैटर में तनी होती है सब, वहाँ पे कोनो का अपने से नीचे को बड़ी डांट देती है सर, नौकरी हो जाएगा ना महिला सबको, पुरुष को देखेंगे ये पुरुष है पुरुष पुरुष नहीं समझ आया, अजब हाल है भाई पुरुष है यहाँ पे अजब टाइप कर रहे थे। अब क्या मैटर था क्या नहीं वो अलग बात है, 2012 का इशू था, हमारा दिमाग से उतर गया, करेंट अफेयर आदमी कितना ध्यान से रखता 2012। लेकिन अमेरिका की पुलिस आई ना तो देवयानी खोबरागड़े को उठा के पुलिस स्टेशन लेके चल गई, गलत बात हुआ कि नहीं? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह 2012 का, कि बुढ़ो घुसिया गए 125,000 एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम रखावा, कि अमेरिका तुमने बहुत गलत किया। उस समय मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं बोला, और अमेरिका की जो राजदूत थी ना नैन्सी पावेल, उस समय नैन्सी पावेल के जितने भी स्टाफ वहां काम कर रहे थे सबको कह दिया कोई नहीं काम करेगा भाग जाओ। उनका पुलिस वाला सिक्योरिटी वाला था बंदूक चला लियो बाबरची उनको कुकर दे दिया ले बना लो खाना जाए आप कुत्ता चराने वाला कुत्ता दे रहे आप चल गए सब। नैन्सी पावेल भी महिला, देवयानी खोबरागड़े भी महिला। नैन्सी पावेल डरा गई, अरे भैया हम ऐसा खतरनाक देश के राजदूत हैं जिसने सारे आतंकवादियों से अकेले बवाल लिया हुआ है, और अमेरिका के राजदूत को तो खोजता है आतंकवादी, कहीं यहाँ कोनो चौकीदारों नहीं है, रात को हमारा गेट बंद करना है, क्या किए आप लोग? अमरीका फोन की बराक ओबामा, उस समय शायद बराक ओबामा ही थे, हाँ बराक ओबामा, ये क्या देख रहे हैं बुढ़ऊ जो है नीला पगड़ी वाला ये भगा दिया है सबको, क्या हुआ है? गलती हो गया हम लोग से, ओकरा देखो राजदूत थी यहाँ ओकरा पुलिस स्टेशन बोला लिया सब, और भड़क गया बुढ़ऊ, तो देवयानी खोबरागड़े को छोड़ा गया। तब यहाँ राष्ट्रपति ने भी कहा ठीक है चल जाओ ड्यूटी पे लगो, उसको खाना पीना दे, उसको दो दिन से भुकाई ले जा इतना पावर होता है राष्ट्रपति के एक साइन का। जब आप राजदूत बन के जाते हैं तो आप किसके बिहाफ पे जाते हैं? राष्ट्रपति के। सही किया कि नहीं किया? एक नंबर, बहुत अच्छा किया। तुम बड़े राष्ट्रपति हो तो हम लोग छोट मोट आदमी है, अरे यार तुम हमको छोट कैसे कह सकते हो? हम लोग मतलब दोनों हाथ से लूटे गए, हम लोग 12वीं सदी से लूटे जा रहे हैं, 500 सालों तक हम लोग पे, लगभग 300 सालों तक दिल्ली सल्तनत, 200 साल तक मुगल, 200 साल तक अंग्रेज, लगभग हम लोग हजार साल तक लूटे गए, और उस हजार साल में जितना नहीं लुटाए उतना आजादी के बाद नेटवा लूट दिया सब। एक साल बस करप्शन खत्म हो जाना फिर दिखाते हैं ला अमेरिका क्या होता है, यहां आदमी ज्यादा कमा लेता है ना तो उसको खुशी से ज्यादा डर लगने लगता है। आप ज्यादा कमाएंगे तो खुशी होना चाहिए, अमेरिका में खुशी होना चाहिए, यहां पे आदमी ज्यादा कमा लेता है तो उसको डर हो जाता है, क्या कहिएगा? देश कब आगे बढ़े? जब ज्यादा कमाएंगे तब।
अभी आपको इसी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कोई आपको खूब पूछेगा, खूब से खूब आपके पास महीना का लास्ट में 5,000 रुपया आता होगा तो 3,500 आता है, बढ़िया है। तब कम जितना पैसा में खर्च करो सही है, ज्यादा पैसा लगेगा तो फिर डेरी मिल्क खिलाने लगोगे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पैसा कम रखो सही रहेगा, पैसा ज्यादा आएगा गिफ्ट दोगे, नया नया खूब फैशनबाजी करने लगोगे इधर उधर में, और उधर कोई कोई ना कोई देखेगी ऐसे करेगी काम खत्म समझ में गया? इस सब में मत जाना, इस सब ये क्या है, इस सिग्नल है ग्रीन सिग्नल, आगे बढ़ जाते हैं। अभी दूसर देश का राष्ट्रपति आता है तो सबसे पहले वो किसके पास जाता है, राष्ट्रपति, अपना आई कार्ड दिखाता है और अपने देश के राष्ट्रपति का मोहर दिखाता है लेटर, कि देखिए ना हम इंग्लैंड के, हम फ्रांस से आए हैं, फ्रांस के राजदूत राष्ट्रपति ने आपके लिए वो लेटर भेजा है। तो पढ़ता है वहाँ पे राष्ट्रपति साहब, हाँ आप ये मेरे राजदूत हैं इनको रखा जाए। तब वो आते हैं राष्ट्रपति साहब, तो राष्ट्रपति यहाँ पे साइन करके देते हैं, हाँ रह जाइए हमारे देश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना पावर होता है उनको। किसी भी देश के राजदूत को भेजने और दूसरे देश के राजदूत को आने की अनुमति कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। ये उनकी कौन सी शक्ति है, राजनैतिक शक्ति है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, राजनैतिक शक्ति है। इसके अलावे राजनैतिक शक्ति में भारत में जितना भी पासपोर्ट बनता है वो कौन बनाता है, राष्ट्रपति, उन्हीं का मतलब उन्हीं के बिहाफ पे होता है, वो गारंटी लेते हैं कि हम इसको पासपोर्ट इसी आधार पर बता रहे हैं कि इसने भारत में कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है। आप पासपोर्ट बनाइएगा ना तो आपके थाना से क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, कहीं अगर बड़ा सा अपराध में नाम रहेगा तो पासपोर्ट नहीं बनाएगा, पता चला कि कहीं मर्डर करके भाग गए नेपाल, आपका कानून आप ही के देश में रहेगा, दूसरे देश में नहीं आएगा आपको, वहां पर बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो पासपोर्ट नहीं बनाया जाएगा। तो जितना आदमी रहता है पहले से पासपोर्ट बना के रख ले, हमरा पहले से बनल समझ आएगा। अब ऐसे भी हम लोग कौन सा क्राइम करेंगे यार, एक बात बता रहे हैं, भाग भी तो जाता है सब। तो पासपोर्ट किसके भी आप पे बनता है, राष्ट्रपति खुद बिना पासपोर्ट के जाते हैं, समझ में आ गया, 140 करोड़ लोगों का अकेला पासपोर्ट बनाने वाला राष्ट्रपति, उसका कौन बनाएगा, कोई नहीं। तो वो बिना पासपोर्ट के क्या होते हैं, जाते हैं। किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका पासपोर्ट नहीं लगता। अब कहेंगे मोदी जी का भी पासपोर्ट लगता है, लगता है, उनके पासपोर्ट को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं, क्या कहेंगे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। उन लोग का अलग टाइप का पासपोर्ट रहता है डिप्लोमेटिक, और उनका एयरपोर्ट पे गेट भी अलग रहता है,